सबके बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि माननीय पत्रकार बंधुओं को संबोधित करने का कष्ट करें माननीय मुख्यमंत्री जी। मित्रों, में भारतीय जनता पार्टी के कमठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी श्री असीम अरुण जी और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की मीडिया टीम की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से प्रदेश मुख्यालय में स्थापित इस मीडिया सेंटर में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जान रहे हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बताया है, कि लोकतंत्र के महापर्व का शंखनाद पहले ही हो चुका है। 7 चरणों में पूरे देश के अंदर लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव संपन्न होना है। 19 अप्रैल को पहले चरण के 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जो रुझान पूरे देश से मिल रहे हैं वह रुझान इस बात की ओर पूरे देश के ध्यान को आकर्षित करता है कि आम जनता के मन में एक ही भाव है, वह उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, कि फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्ष में देश के अंदर जिसकी तस्वीर को बदली है, आम जन की तकदीर को बदलने के लिए जो एक सकारात्मक पहल किए हैं, उसके प्रति जनता का सकारात्मक रुख भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बिना भेदभाव के समाज के हर तबके का पूरा समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। द्वितीय चरण के चुनाव 26 अप्रैल को होने जा रहा है और द्वितीय चरण में 13 राज्यों की 89 सीट्स पे चुनाव होने हैं, जिसमें अभी सूरत की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध भी एक सीट पर अभी हो चुके हैं। चुनाव इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है कि संभवतः पहला चुनाव देश का होगा, 18वीं लोकसभा का चुनाव है और अब तक के पहला चुनाव होगा जिसके परिणाम के बारे में पूरा देश आश्वस्त है। आश्वस्ति का भाव इस देश से, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर ध्यान देकर के पूरी जवाबदेही के साथ हर एक मोर्चे पर सर्वांगीण विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं, आज देश उसका लाभ प्राप्त कर रहा है। यह हर एक क्षेत्र में वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का, 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान का मामला हो, भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का हो, भारत की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद नक्सलवाद की समस्या को समाधान के लक्ष्य तक ले जाने का हो, या फिर देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने का, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेसवेज, आईआईटी, आईएम, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी कार्य
पूरे देश के अंदर ट्रिपल आईटी एनआईटी ये एक लंबी श्रृंखला है इनकी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पहली बार गवर्नमेंट परफॉर्मेंस के आधार पर भी कार्य कर सकती है और उस आधार पर जनता जनार्दन के बीच में जा सकती है, यह पहली बार देखने को प्राप्त हुआ है। देश के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के 140 करोड़ लोगों को प्राप्त हो सकता हो, यह भी देश पहली बार देख रहा है। 80 करोड़ गरीबों को 4 वर्ष से लगातार राशन की सुविधा का लाभ फ्री में उपलब्ध होना, 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त हो जाना, 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खोल करके सरकार की धनराशि उन सभी लोगों तक सीधे डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य हो, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, या फिर 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का काम हो, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने के कार्य हो, 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बनाने के कार्य हो, या 2.5 करोड़ गरीबों को एक एक बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य हो, पहली बार वास्तव में देखा है लोगों ने कि योजना का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को कैसे प्राप्त हो सकता है। जो नारा मोदी जी ने 2014 में दिया था सबका साथ और सबका विकास का, वह जमीनी धरातल पर कैसे हकीकत में बदला है, यह भी पूरा देश देख रहा है और हर तबके के मन में इन सभी योजनाओं को लेकर के भारी उत्साह है। महत्वपूर्ण यह है कि जब हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो लोकसभा चुनाव के दौरान एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था और संकल्प पत्र की एक प्रति के साथ पिछली बार मैं भी आपके बीच में यहां पे आया था। भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के मतदान के पहले अपना संकल्प पत्र जनता जनार्दन के सामने प्रस्तुत कर दिया था। कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इंडी गठबंधन के अलग अलग दल भी अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। मित्रों, इंडी गठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के जो घोषणा पत्र हैं, घोषणा पत्र के विभिन्न प्रावधानों के खतरनाक इरादों की तरफ ही ध्यान आकर्षित करने के लिए आज हम सब जनता जनार्दन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जनता जनार्दन का ध्यान और खासतौर पर इन मुद्दों को लेकर के, एक तरफ 1970 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश को गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी नहीं हट पाई क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं थे। उनके 19 सूत्री 20 सूत्री कार्यक्रम बनते थे लेकिन वे फाइलों तक कैद होकर के रह जाते थे। शासन स्तर पर अगर किसी गरीब के लिए योजना का लाभ भी देने की बात होती थी तो वह कमीशनखोरी की भेंट चढ़ जाती थी। योजना का लाभ चेहरा देख करके देने की जो प्रवृत्ति कांग्रेस ने उस समय प्रदान की थी, कमोवेश वही स्थिति हम लोगों को यूपीए सरकार के सामने और विभत्स रूप में देखने को मिला। आज का जो कांग्रेस इंडी गठबंधन से जुड़े हुए सहयोगी दलों के जो घोषणा पत्र जारी हुए हैं, उस घोषणा पत्र को देख करके हम कह सकते हैं, एक तरफ अपनी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना भेदभाव के देश के अंदर हर तबके के लोगों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य किया और 10 वर्ष में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से उभार करके उन्हें खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाने में मदद की, और दूसरी तरफ कोई भी इस प्रकार के प्रमाण कांग्रेस या उसके सहयोगी दल नहीं दे सकते कि जिन्होंने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, आखिर इतने लंबे समय तक शासन करके 65 वर्षों से अधिक समय तक देश के अंदर शासन करने के बावजूद उनका
पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस पर आधारित क्यों नहीं बन पाया था, क्यों इनकी योजनाएं पिक एंड चूज की थी, चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देने का कार्य क्यों, और खासतौर पर अब दादी के दिए गए नारे को पोते के द्वारा किस प्रकार से तोता रटंत की जा रही है कि हम एक झटके में गरीबी हटाएंगे, और गरीबी कैसे हटाएंगे इसका अगर आपको उनके घोषणा पत्र में देखना हो तो यह खतरनाक इरादा भी है और हास्यास्पद भी है। वो कह रहे हैं कि हम संपत्ति, लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और संपत्ति सर्वे करके फिर उस संपत्ति को अपने अनुसार फिर उसका बंदर बांट करेंगे। यानी पहले देश के संसाधनों पर लूटपाट, याद करिए यूपीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने एक अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमारा कहना है देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चार जातियों की बात की है, गरीब है, किसान है, युवा है और महिला है। इसने किसी जाति की बात नहीं की है, किसी मत और मजहब की बात नहीं की है। जो गरीब है उसको शासन का हिस्सा मिलना चाहिए, युवा है उसकी आजीविका की व्यवस्था होनी चाहिए, महिला है उसके स्वावलंबन के लिए कार्य किए जाने चाहिए। अन्नदाता किसान वह किसी भी जाति, मत, मजहब, वर्ग का है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी जहां इसकी बात करती है वहीं कांग्रेस कहां से प्रारंभ कर रही है, वह संपत्ति का सर्वे करवाएगी, संपत्ति का सर्वे करके फिर उसका बंदर बांट करेगी। यानी अपनी पुरानी उस प्रवृत्ति में कहां लेके जा रहे हैं कि पहला अधिकार किसका है, और फिर वहीं से उनकी शुरुआत हो रही है। इसके लिए वह जातीय जनगणना को आधार बना रहे हैं, 65 वर्षों तक शासन किए एससी एसटी ओबीसी और अन्य जातियों को इन्होंने उनका अधिकार नहीं दिया, उससे उन्हें वंचित किया। और याद करिए 2004 से 2014 के बीच के कांग्रेस के शासनकाल को, जब उन्होंने उस समय लक्षित हिंसा विधेयक लाने का कुत्सित प्रयास किया था, बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को कुचलने के लिए, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए एक कुत्सित प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी के भारी विरोध के कारण वह उस विधेयक को पास नहीं कर पाए थे। भारत के प्रति इनकी मानसिकता क्या है, और इसके बाद इन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डाल करके उनके आरक्षण में भी किस प्रकार से घुसपैठ करने का प्रयास किया था, इसके लिए रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जो पहले सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, बाद में कांग्रेस के सांसद बने, उनके अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की सिफारिश कांग्रेस की मंशा के अनुरूप देश के अंदर लागू करने के कुत्सित प्रयास हुए थे, जिसमें एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण के अधिकार को जबरन कुछ वर्ग विशेष को देने के कुत्सित प्रयास इन्होंने उस समय प्रारंभ किए थे। और फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी दलितों के, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में घुसपैठ करके एक हिस्सा इसको भी मुस्लिम वर्ग को जबरन देने के कुत्सित प्रयास किए गए थे, जिसका उस समय भारी विरोध हुआ था। यानी कांग्रेस की मंशा क्या है, कांग्रेस की मंशा और इंडी गठबंधन का मंशा है अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर डकैती डालना, और इसके लिए वे सरकार में आना चाहते हैं, इसके लिए जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। इसके आधार पर समाज को, पहले जातीय जनगणना के आधार पर बहुसंख्यक समाज को आपस, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेंगे, आपस में विभाजित करेंगे, और फिर उसके बाद उनके आरक्षण के अधिकार में
जबरन उसका बंदर बांट करने का काम भी इनके द्वारा करने का प्रयास होने जा रहा है और यह एक खतरनाक इरादा इनके द्वारा अपने इस जो है घोषणा पत्र में इनके द्वारा करने का कुत्सित प्रयास प्रारंभ हुआ है। हम सब इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस की मंशा हमेशा सत्ता एनकेन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी रही है। वे देश की कीमत पे सत्ता चाहते हैं और देश की कीमत पर उन्हें सत्ता चाहिए। इसके लिए महिलाओं पर बर्बर अत्याचार करने वाली तालिबानी प्रवृत्ति को भारत के अंदर लागू करना चाहते हैं, यानी व्यक्तिगत कानून को कांग्रेस सत्ता में आने के बाद लागू करने की बात करती है। यानी तीन तलाक की कुप्रथा से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने देश की आधी आबादी को इस कुप्रथा से मुक्त किया, उससे स्वतंत्रता दी। कांग्रेस उसका समर्थन करती है। यानी व्यक्तिगत कानून देश के अंदर हम कहते हैं दो प्रधान दो विधान दो निशान नहीं चल सकते। इसके लिए 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया था, लेकिन कांग्रेस देश के अंदर व्यक्तिगत कानून लागू करके सरिया कानून लागू करना चाहती है, तालिबानी विध्वंस का समर्थन करना चाहती है। और ये जो कांग्रेस की मंशा है या इंडी गठबंधन की मंशा है या आधी आबादी का अपमान तो करती ही है, एक खतरनाक इरादे की ओर भी देश का ध्यान आकर्षित करती है। ये जो दो तीन कुछ ये जो महत्वपूर्ण जो देश के सुरक्षा से जुड़े हुए देश की संप्रभुता से जुड़े हुए आधी आबादी की गरिमा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनमें कांग्रेस की मंशा स्पष्ट उजागर होती है कि उनका इरादा देश के प्रति अच्छा नहीं है। वे एनकेन प्रकारेण अपने उस पुराने डीएनए के अनुसार फिर से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके कारण 1947 में देश का विभाजन हुआ था, जिसके कारण देश लगातार आतंकवाद उग्रवाद और अलगाववाद की चपेट में आया था, जिनके उस डीएनए के कारण देश के अंदर सभी संस्थाएं भ्रष्टाचार के आकंट में डूबी थी, एक अविश्वास का माहौल देश के अंदर खड़ा हो गया था। कांग्रेस इस देश को फिर से उधर ही ले जाना चाहती है और आज इसीलिए जब लोकसभा चुनाव के हम द्वितीय चरण के लिए मतदान की ओर जाना चाहते हैं, तब मैं प्रदेश और देश के मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि देश यानी जीवन आपका है, सुरक्षा आपकी है, देश आपका है, वोट भी आपका है। आपका एक वोट आतंकवाद की तरफ भी आतंकवाद के पुराने दौर को वापस ला सकता है अगर गलत दिशा में गया, और आपका एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने का मतलब आतंकवाद को सीमा पार ही निपटाने की जो भारतीय जनता पार्टी और हमारी मंशा है और जिस पर हम लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है, भारतीय जनता पार्टी उस अभियान के साथ आगे बढ़ रही है। एक वोट जनता जनार्दन की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है अगर गलत दिशा में गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होने वाला एक वोट वह उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करता है। भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला एक वोट हर व्यक्ति के सुरक्षा सुशासन और संप्रभुता को ध्यान में रख करके भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने की मंशा के साथ, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के रूप में स्थापित करने की संकल्पना को आगे बढ़ाता है। और आज इसीलिए हम लोग देश और प्रदेश के मतदाताओं से यही अपील करेंगे कि वे कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की विभत्स मंशा को कुत्सित मंशा को कतई सफल न होने दें, क्योंकि यह न केवल अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने का कुत्सित प्रयास है,
बल्कि आधी आबादी को तालिबानी शिकंजे में धकेलने की भी कुत्सित मंशा के साथ ये लोग कार्य करके देश के अंदर तालिबानी विध्वंस को आमंत्रित करने, आतंकवाद को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के अंदर हावी करने और देश के संसाधनों पर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य रहा है उस वक्तव्य के अनुरूप देश के अंदर देश के संसाधनों पर एक वर्ग विशेष को हावी करने की कुत्सित मंशा के साथ कांग्रेस कार्य करना चाहती है, जिसको हर मतदाता को जिसके प्रति सतर्क और सावधान रहकर के किसी भी प्रकार के उस दुष्प्रवृत्ति को नहीं पनपने देना चाहिए जो समाज में वैमनस्यता पैदा करे, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती देने वाला बनता हो, भारत की आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना में बैरियर का कार्य करता हो। हमें उस प्रकार की किसी भी प्रवृत्ति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए और इसके लिए मतदाताओं ने जो अब तक 2014, 2017, 2019 और 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को लेकर, उनके पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को लेकर अब तक जो अपना आशीर्वाद दिया है, यही आशीर्वाद जनता जनार्दन का मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के प्रति बना रहेगा, यह हमें पूरा विश्वास है। और कांग्रेस को उसके घोषणा पत्र और उसके मंशा के अनुरूप पूरी तरह कांग्रेस और इंडी गठबंधन को खारिज करने का कार्य भी देश का मतदाता करेगा, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद जी। धन्यवाद।